सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं युवराज आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो यहां पर गाइस Xiaomi की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। ग्लोबल बीटा के बाद अभी Xiaomi चाइना बीटा रूम को भी कुछ डिवाइस के लिए बंद कर रहा है, यानी कि कुछ डिवाइस में अभी आपको कोई भी बीटा अपडेट नहीं मिलेगा। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, कौन से डिवाइस में ये बंद हो रहा है, कब से ये बंद हो रहा है, वो सब डिटेल में आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो मेरे पास इसका जो डिवाइस लिस्ट है वो आ चुका है, कुछ इस प्रकार से ये डिवाइस लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दो राउंड में ये बंद होने वाला है। सबसे पहला जो राउंड है वो 20 जून से स्टार्ट होने वाला है। 20 जून से इन सभी डिवाइस में आपको जो चाइना बीटा रोम है उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ चाइनीज मॉडल भी आपको मिल जाता है और एक इंडियन मॉडल भी आपको मिल जाता है। इंडिया की बात करें तो Redmi Note 5 Pro पर आपको अभी चाइना बीटा अपडेट नहीं मिलेगा। जो दूसरा राउंड है वो 5 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। जैसे ये स्टार्ट होता है उसके बाद इन सभी डिवाइस में आपको कोई भी बीटा अपडेट नहीं मिलेगा, यानी कि 5 सितंबर से आपको इन सभी डिवाइस में कोई भी चाइना बीटा अपडेट या फिर ग्लोबल बीटा अपडेट नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि अगर बीटा अपडेट बंद हो चुका है तो आपको स्टेबल अपडेट नहीं मिलेगा। स्टेबल अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा, ग्लोबल भी मिलेगा और चाइना बीटा अपडेट चाइना स्टेबल अपडेट भी मिलेगा। पर यहाँ पर बीटा जो टेस्टिंग था वो इन सभी डिवाइस के लिए बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ भी है इन सभी डिवाइस के लिए, क्योंकि MIUI 12 का जो बीटा टेस्टिंग है वो इन सभी डिवाइस के लिए और हो चुका है। इसका मतलब कि आपको जल्दी ही MIUI का स्टेबल रोम है वो इन सभी डिवाइस में मिल सकता है। तो मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल है। जैसे ही इसके बारे में दूसरा कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाता है तो मैं आपको इसी चैनल के द्वारा शेयर कर दूंगा। बाकी गाइस आपके क्या विचार है इस न्यूज़ के बारे में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक नए वीडियो में।